आजाद नागरिक एफएसआईडी न्यूज में आपका खैर मुकदम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर पर। जमीन दी गई थी मौलाना मुफ्ती के नीचे, लेकिन वहाँ पर डबल बेडरूम बनाया गया। बहुत अच्छी बात है, गरीबों को घर होना है, घर जरूरी है, लेकिन उसके बाजू में और जगह खाली है साहब, क्योंकि आपका काम है, आपका वादे जल्द से जल्द मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। आप फौरन हमारे तहसीलदार से बात करके और जो है सर्वे को बुला के वहाँ पर फौरन को 5 एकड़ का पट्टा फिर दोबारा हमको दीजिए। मैं आपसे मुतालिबा कर रहा हूँ साहब। और दूसरा मसला रहा, मसला हो रहा है कि जो कभी भी थोड़ी बारिश हो रही मेरी कैंगोर में पानी जो छत्तर के जरिए जो रामा बोली के अंदर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, आज तक कोई उसके ऊपर गौर नहीं करे था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मोटरलैंड एरिया है, जो तालाब का पिछला हिस्सा है, उसके अंदर जो है तमाम शहर में जहाँ भी इंस्पेक्टर रहता, जहाँ भी कोई घर तोड़ता, वो तालाब के अंदर रोजाना हम फेस करते हैं। बाड़ों में जब दौरा करते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि नाली चाहिए, रोड चाहिए। ऐसा नहीं है उनके ताल्लुक से, खासकर मैं हमेशा उठा रहा हूँ उर्दू के ताल्लुक से नाइंसाफी की जा रही है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँ शेखर साहब, क्योंकि सरकारी दूसरी जबान है, केसीआर साहब, केकेआर साहब की जब भी प्रेस मीटिंग करते उर्दू में बात करते, तो मेरी लिहाजा आपसे तेलंगाना हुकूमत जो है सरकारी दूसरी जबान है, तो बंदिया में भी जो है एजेंडा उर्दू में प्रिंट होना चाहिए। और उसके साथ साथ इससे पहले मैं लोगों के ताल्लुक से बोला था, वो अभी तक नहीं हुआ था। लास्ट मीटिंग में जो है हम उर्दू का जो लोगों हमारे पास इंग्लिश और तेलुगु का आया, उर्दू नहीं हुआ था। लास्ट मीटिंग में उसके ऊपर बोला था, अब तक क्यों अमल में नहीं हुआ था। और रही दूसरी बात, मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तमाम क्रेयार्ड के लिए चेयरमैन साहब ने पंस रखा, और मुस्लिम क्रेयार्ड के लिए रखा, बी सी के लिए रखा, एस सी के लिए, एस टी के लिए, तमाम के लिए रखा। लेकिन खासकर जो है साहब, ये एराकुंडा जो है हमारे पास, एराकुंडे के पास एक खलदर शाह कब्रस्तान है, जो सौ साल से पुराना कब्रस्तान है साहब, मुस्लिम क्रेयार्ड। सबसे पहले वहाँ पे ड्रेनेज बनाना बहुत जरूरी है साहब, ये मुसलमानों का मसला है, ये शहर के तमाम भयभूत रहते हैं। वहाँ पे खदीम लोग जो 100 साल पहले जो लोग पड़े हैं वो कब्रस्तान में दफन है साहब, बोलो। तो वहाँ पे गंदा पानी वो कब्रस्तान का जो है पूरा जो है नाजों का पानी वो कब्रस्तान में जा रहा था। पहले वहाँ पर ड्रेन बनाना चाहिए, और ये नोट कर लीजिए साहब, और कंपाउंड उसके लिए कंपाउंड वाल भी रखना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि आज 4-5 साल पहले के कब्रस्तान को कंपाउंड वाल बनाया जा रहा है, लेकिन जो 100 साल से पुराना कब्रस्तान है उसको कंपाउंड वाल नहीं बनाया जा रहा था। इससे पहले हमारे पास जो कब्रस्तान बनाए गए हैं चाचा कुत्ते में, मक्का मस्जिद में, और दीगर मोती नगर में वगैरह में, हमारे पास हम दादा डालते, हमारे पास दादा जो थे वो लोग बनाते थे साहब। लिहाजा आप जो काउंसिल से बनाने का जो मसला जो शुरू हुआ है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो खबरदार कंपाउंड वाल बनाया जाए। और दूसरा मसला साहब, आज जो है मैं कभी भी चेयरमैन साहब से, अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।